छाया भूतले। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। सारे मिलके बोलो जय श्री कृष्णा चेतन प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। जय गुरुदेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरनो रघुवर बिमल जश योदायिक फल जान बुद्धिहीन तनो जान सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सा जय कपीश तेह लोक राम दूत अतुलित बलराम अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमत के कंचन बरन विराज सुबे कानन कुंचित हाथ वज्र और ध्वज कांते जनेऊ सा शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगन विद्यावान गुणी चातुर राम काज कर प्रभु चरित सुनिवे कोरसी राम लखन सीता मन वसी सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखा एक लंक भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज से लाइस जीवन लखन दिया श्री रघुवीर। रघुपति कीनी बाट बना तुम मम प्रिय भरत सम सहस बदन तुमरो जस अस कही श्रीपति कंठ शंकादिक ब्रह्मादि वरीच नारद सहित अहि यम कुबेर दिग पाल कवि कोविद कही सके तुम उपकार सुग्रीव की राम मिलाए राज पज तुमरो मंत्र भविषण लंकेश्वर भय सब जग युग सहस्र जो जन परमा लियो तागी मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेल सुखमा जल्दी लांग के अचल दुर्गम काज जगत के जी सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम द्वार
तुम रखवा होत नया गया मिलू सब सुख लगे तुम्हारी शर तुम रक्षक का आपन ते समारो आ तीनों लोक भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम से नाशेरो सब पी जब निरंतर हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के न जो सतबा पाठ कर जो छूटे बंदी मा जो जय पड़े हनुमान चले ओसे दिता की गो तुलसीदास सदा हरि चे की जेना जे मम डेरा तुलसीदास सदा हरि चे की जेना तेगे दे मम पवन तने संकट हर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सही हृदय बसोस सियावर रामचंद्र की राधावर कृष्णचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई प्रभुपाद की जय बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भक्तन की जय। राम भक्त हनुमान जी की कृपा से अभी राम जी की शरण में आओ। श्री राम चंद्र कृपा भज मन हरन भव दारुण नव कंज लोष कंच मुख कर कंच पर कंच कंदर प अगिन अमित शवि नील नी सुंदरम पट पीत मानो तलत रुचि शुचि नौमी जनक सुताबर भज दीन धनेश दैत्यवंदन रघुनंद आनंद जकाश चंद्र दशरथ सिर मुकट कुंडल तिल चारु अदार अंग विभूष आजानुभुज सर चापन संग्राम जित कर इति बाधित तुम दास शंकर शेष मुनिमन रंजन मम हृदय कंज वासु कामाद कलदल रंजन नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारु पितवाम वागम पानो महां सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं
नमामि रामम रघुवंश जातम। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो राम कथा का आज आखिरी दिन है। भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या में आ रहे हैं। भगवान को बड़ी जल्दी है आने की। आने की जल्दी का कारण भैया भरत हैं। भरत जी ने ये कहा था, अगर आप 14 साल से एक दिन भी ज़्यादा रुके तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ये भरत जी का राम स्नेह है, राम प्रेम है। धन्य है भरत जी महाराज जिन्होंने राम जी के वियोग में राम जी से भी ज्यादा कठोर तपस्या अयोध्या में की। 5 फुट के गड्ढे के नीचे रहे, तब मेरे भगवान मेरे राम पृथ्वी पर सोते हैं, मुझे पृथ्वी पर भी सोने का अधिकार नहीं है। बहुत प्रेम था भरत जी के लिए। भरत जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करें, आपका इतना अटूट प्रेम था राम जी के चरणों में, कृपा करके हमें भी वो प्रेम प्रदान कीजिए। तो जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी कहते हैं, प्रभु रास्ते में ही मेरे माता का घर पड़ेगा, मेरे माता की कुटिया, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं माता के दर्शन करके स्वयं ही आपसे पहले अयोध्या पहुंच जाऊंगा। तो तब प्रभु श्री राम सोचने लगे, भगवान श्री राम सोचने लगे, जिनका इतना बलशाली पुत्र, इतना महान पुत्र, ऐसे माता के दर्शन हमें भी करने चाहिए। राम जी कहते हैं, हनुमान हम भी तुम्हारी माता के दर्शन करने चलेंगे। दर्शन करने के लिए विमान उतरा, अंजना माता से भेंट हुई, हनुमान जी ने जाकर प्रणाम किया, राम जी ने भी प्रणाम किया, सब ने। तो सबका परिचय हनुमान जी देने लगे कि ये किष्किंधा के राजा सुग्रीव हैं। माता कहते कि किष्किंधा के तो राजा बली थे, बाली। तो सारी कथा सुनाई उनको, ये लंका के राजा रावण अपना भविष्य है। माँ कहती हैं, अंजना माता, हनुमान जी की मैया, के रावण का लंका तो रावण था, रावण राजा था लंका का, वो भी कथा सारी सुनाई, अभी भविष्य जी को राज्य मिला है। तो सुनाने लगे हनुमान जी, ऐसे में लंका में गया सीता माता की सुध लेने के लिए। तो माता क्रुद्ध हो गई, माता को क्रोध आ गया कि तुम सीता माता की सुध लेने के, उसके पास सीता को वहां लंका में क्यों रहना पड़ा, तो वापस क्यों नहीं लेके आया। हनुमान जी कांपने लगे माँ के गुस्से पर। तब उन्होंने कहा कि माता इसके दो कारण हैं, एक कारण
मुझे ऐसी आज्ञा नहीं थी कि मैं रावण को मारूं। माता कहती है कि ये एक रावण क्या, तू तो हजार रावण को मार सकता है, तेरे में इतनी शक्ति है। बाकी हनुमान जी में बड़ी शक्ति थी। धन्य है वो माता जो हनुमान जी की माता थे। बड़े प्रेम से बोलो अंजना माता की। तो और दूसरा कारण माता ये, रावण को मारने का श्रेय मैं नहीं लेना चाहता था, वह राम जी को ही मिलना चाहिए। माता शांत हुई, सबसे भेंट हुई, सब लोग विमान पर बैठे और अयोध्या पहुंचे। आगे भरत जी जो हैं स्वागत के लिए खड़े हैं। राम जी ने देखा भरत जी का शरीर तपस्या से दुबला हो गया है, भरत जी बहुत कमजोर हो गए हैं। ये है जीवन, ऐसा स्नेह और प्रेम राम जी से होना चाहिए, तभी जीव का कल्याण है। राम कथा में बड़ी शिक्षा है। राम जी ने भरत जी को गले लगाया। इसके पहले एक घटना और घटी, शायद वो आगे वर्णन आएगा। 13 वर्ष जब पूरे हो गए वनवास के, 14वां लगाई था, पहला दिन था 14वें वर्ष का। भरत जी कहने लगे 13 वर्ष तो जैसे तैसे बीत गए, ये वर्ष बिन बीतना बड़ा कठिन है, राम जी के बिना ये वर्ष को बिताना बहुत कठिन है। कहते मैं जाके सरयू में कूद कर प्राणंत कर देता हूँ। अयोध्या में सरयू नदी बहती है। चले गए, कूदने ही वाले थे सरयू नदी में तो दो व्यक्तियों ने उनको पकड़ लिया दोनों बाजू। कहते आप लोग कौन हो? कहते हम अयोध्या के चौकीदार हैं। अयोध्या का कोई चौकीदार नहीं, कि हम भगवान की दो पादुकाएं हैं और राम जी ने हमें अयोध्या की चौकीदारी करने के लिए कहा था। कहाँ तक? मेरे आने तक कोई भी व्यक्ति अयोध्या का कम नहीं होना चाहिए। कितना प्रेम भरत जी का राम जी से था। तो हम लोगों को भी भरत जी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा प्रेम भौतिक विषय विकारों से, भौतिक सुखों से ना हो। यवन कुल में देखा गया है, एक यवन जिसने, नाम मेरे को उसका ध्यान नहीं है, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया था। बाप राजा था, बाप को जेल में डाल दिया, खुद गद्दी पर बैठ गया। यहाँ पर राज मिल रहा है, नहीं नहीं चाहिए। बड़ी प्रेरणा है भरत जी के जीवन से, और ऊपर से इतनी तपस्या, राज्य भी स्वीकार नहीं किया। तो हम लोग भी विषय विकारों की ओर आकर्षित ना हो, हम तपस्या की ओर आकर्षित हो। जैसे भागवत में भगवान ऋषभदेव ने कहा है, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्यम, ये मेरे पुत्रों मनुष्य शरीर नायम देख देख भाजन नरलोके कष्टान काम हरते बिड़ बुजाम दे। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम, ये मेरे पुत्रों ये मनुष्य इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला,
विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला, ये सुगर कुत्ते को भी उपलब्ध है बिना किसी भेदभाव के। सुगर के लिए, कुत्ते के लिए, माँ बहन बेटी का कोई भेदभाव नहीं। ये पशुओं का बड़ी सुख, बड़ी क्या कहते हैं, आसानी से ये उपलब्ध है। ऋषि भगवान कहते हैं ये शरीर उसके लिए नहीं है, ये शरीर तपस्या करने के लिए है। तपस्या करने से क्या होगा, शुद्धि होगी, और शुद्धि होने से हमें ब्रह्मानंद का अनुभव होगा। वो ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, उस आनंद की अनुभूति होगी। तो भरत जी ने वो बड़ी तपस्या की, उनके बड़े भैया, उनके प्राण जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, वो अयोध्या में रह कर तपस्या कर रहे हैं। तब जब पहुंचे वहां पर, राम जी सबके सामने हनुमान जी की तारीफ करने लगे, कहने लगे हनुमान जी ने बहुत कार्य किया, बड़ी सेवा की, तो तब तीनों माताएं कौशल्या, ककई, सुमित्रा, कौशल्या, सुमित्रा और ककई, पहले नंबर पर कौशल्या माता, दूसरे नंबर पर सुमित्रा, तीसरे नंबर पर ककई, के लिए हम भी उस माता के दर्शन करेंगे। धन्य है वो माता जिनके पुत्र इतने शूरवीर, इतने शक्तिशाली दर्शन करने आई। तो अंजना को पूछा माताओं ने, आपने कौन सा दूध, कैसा दूध पिलाया था अपने पुत्र को जिनकी इतनी शक्ति थी। चलो दिखाती हूँ। वो जंगल में ले आई उनको अंजना माता, एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था, उस पर दूध का एक बूंद गिराई अंजना माता ने, वो पत्थर फट गया। इतनी शक्ति माता के दूध में थी। तो ये कौन सी माताओं के दूध में ऐसी शक्ति आती है, जो भक्त हों, जो सदा प्रभु का स्मरण करें, सदा भक्ति करें, सदा भगवान का नाम लें। इस शरीर को भी जो भक्ति मिली शुरुआत में माता से ही मिली। माता 3 बजे उठ जाती थी, उठकर के बस माला हाथ लेके बस भजन करना। हम सबसे छोटे हैं घर में, हम भी उठ जाते थे, उठ करके माता के साथ भजन करते थे। उनकी कृपा से ही भजन प्राप्त हुआ। तो सभी माताओं को तपस्विनी बनना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अगर कोई संतान घर में आती है, अच्छी संतान आए जो कि भगवत भक्त हो, पुत्र का पुत्र होना चाहिए जरूर। एक माता का फोन से बात हो रही थी, मैंने कहा कितने बच्चे हैं आपके, कहते 2 बेटियां हैं। मैंने कहा एक बेटा भी होना चाहिए, कहते बेटा नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बेटा क्या, बेटे बेकार होते हैं, कलयुग में अच्छे लड़के नहीं पैदा हो रहे, कलयुग का प्रभाव, माताओं का भी जीवन अच्छा नहीं, भाइयों का भी जीवन अच्छा नहीं। तो अंजना माता से बड़ी प्रेरणा ले सकती हैं कलयुग की माताएं। सभी खूब भजन करें, भक्ति करें और अच्छे संतान को जन्म दें, बेटे को जन्म दें, बेटी, बेटे, 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 बेटियां सब भगवान के देन है। देखो विमूढ़ शासनकर्ताओं ने ऐसा प्रचार कर दिया बच्चों को मारने का, करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए। जन्म लेने से पहले ही बच्चे को मार देते हैं, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है।
जिन्होंने ऐसा प्रचार किया उनको भी दुर्गति उनकी हुई, दुर्गति से वो मरे, लेकिन देश को बर्बाद करके कुछ हमारे भी दुर्भाग्य होंगे। संतान का पालन होना चाहिए, बेटा हो बेटी हो सब भगवान के हैं। बेटी पेट में आई, बाप कहता नहीं चाहिए मार दो उसको, पर माँ थोड़ी सी अक्ल उसको सत्संग से मिली कहती नहीं मारूंगी इसको मैं। बेटी बच गई, उससे पहले एक बेटा बच गया। तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, पाप हो रहा है। पाप का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता, पाप का परिणाम भी पाप ही होगा, बुरा ही होगा। तो राम जी अयोध्या पहुंचकर श्री राम जी ने सभी के सामने श्री हनुमान जी की करनी का वर्णन किया और कहा कि हम इनका ऋण उतार नहीं सकते। ये राम जी ने हनुमान जी के लिए कहा। हनुमान जी ने क्या किया, हृदय से भगवान की सेवा की। क्या ऋण, देखो हम भी और क्या भगवान को दे सकते हैं, सेवा करें भगवान की। और ये मत सोचो आप कोई सेवा कर रहे हैं तो भगवान से छिपी हुई है, नहीं। ये घटना पहले भी आपको सुनाई थी, जहाँ गोवर्धन केंद्र है, प्रभुपाद जी की कृपा से वहाँ सेवा मिली है राधा कांत भगवान को, कोई 70-80 साल पहले की बात होगी। वहाँ श्यामदास के नाम के व्यक्ति थे, उनके गुरु जी थे कृष्णदास, वो वहाँ रहते थे। तो श्यामदास जी की क्या, बस 100-150 लोगों का रोज प्रसाद बनाना, भोजन बनाना, भोग लगाना, सबको खुवाना, सफाई करनी, बड़ी सेवा करते थे और कथा सुनी रहते। उनकी सेवा से राधा कांत भगवान इतने प्रसन्न हुए। एक दिन वो रसोई घर में पोछा लगा रहे थे तो दोनों प्रिया प्रीतम आके बैठ गए उनको दर्शन देने। श्यामदास जी उनको देखते रहे, पोछा हाथ में आके लगा देने, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुंह खुले का खुला रह गया भगवान। तो भगवान उनकी सेवा पर इतने प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए। देखो रामचंद्र जी ने ये कहा हनुमान जी के लिए, इनका ऋण हम उतार नहीं सकते। क्या ऋण है भगवान को, सेवा का। देखो भगवान सब समर्थ हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों को सेवा देते हैं। जब वो खुद सब कुछ कर सकते हैं, यही बात जब हनुमान जी सीता माता की खोज लेने के लिए लंका में गए थे, लंका में माता की खोज करते करते भविष्य जी का घर मिल गया। वहाँ पर दीवार पर शंख चक्र कदा पदम के चिन्ह थे, तुलसी माता थी। उस समय सुबह का समय था, भविष्य जी उठे, बाहर आए तो उनको संत हनुमान जी के दर्शन हुए। जब दो भक्त मिलते हैं तो बस हरी चर्चा करते हैं, आजकल के मूर्ख मिलेंगे तो एक्टरों की बातें करेंगे। ये एक्टर जो हैं बेचारे खुद तो नरकों में जाएंगे, लेकिन सारी दुनिया को साथ लेके जाएंगे। इन्होंने लोगों को चरित्रहीन बना दिया। चरित्र भारत में था, लेकिन नेता लोग आए ऐसे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को खत्म करने का पूरा प्रयास किया। खुद खत्म हो गए लेकिन निमित्त बन गए संस्कृति को भी खराब करने के लिए। अंग्रेजी में कहावत है,
इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट. अगर धन चला जाता है तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा. इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट. अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो थोड़ा नुकसान हुआ है. बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट. अगर कोई चरित्रहीन हो जाता है सब कुछ चला गया उसका. हमारे नेता लोग पहले जो आए 60 साल जिन्होंने राज किया, चरित्रहीन थे वो, देश को भी ऐसा ही बना दिया उन्होंने. हमारे पाप होंगे. कृष्ण ने बड़ी कृपा करके, प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके, गौर नेता ने कृपा करके, राधा रानी ने कृपा करके, सीता राम लक्ष्मण हनुमान नृसिंह देव प्रहलादा प्रहलाद महाराज शिव पार्वती गणपति दादा कार्तिक के स्वामी नंद जी महाराज ने बड़ी कृपा करके अपने भक्त को भेज दिया जो धर्मपरायण है. तो भगवान कहते हैं हम इनका ऋण नहीं उतार सकते, भाव और भक्ति का ऋण. जब भेंट हुई थी सीता माता की खोज करते हुए हनुमान जी और भविष्य की, तब हनुमान जी ने ये शब्द कहे थे. भविष्य जी ने पहले कहा, हनुमान जी आप धन्य हो, राम कार्य कर रहे हो भगवान. मैं यहाँ लंका में राक्षसों के बीच में पड़ा हूँ. भविष्य जी लंका में रहते हुए राम जी के भक्त थे. तब हनुमान जी ने शब्द कहे, भविष्य जी मेरे प्रभु श्री राम सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं. मैं जाति का बानर हूँ, सुबह जो कोई हमारा नाम ले लेता है दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता खाने के लिए, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे अपनी सेवा करने के लिए भेज दिया, जबकि वो खुद सब कुछ कर सकते हैं. मुझे श्रेय देने के लिए अपनी सेवा का भेज दिया. तो ऋण क्या है? सेवा. राम जी ने हनुमान जी के लिए कहा, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से कपि से उरिन हम नाही, कपि से उरिन हम, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही. हनुमान जी का ऋण नहीं शोध सकते हैं. ये राम जी ने हनुमान जी के लिए कहा. वर्णन किया, सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन ये कूदी गयो छन माया, कूदी गयो छन. जय हनुमान. भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, सौ योजन शिलांग लगा दी. कितनी बड़ी शिलांग, क्या किया? लंका जारी सिया सुदी लायो, लंक पर गर्भ नहीं मन, पर गर्भ नहीं मन मा, भरत भाई कपि से उरिन हम ना, भरत हे भरत भाई कपि का ऋण नहीं छोड़ सकते. और क्या किया उन्होंने?
शक्तिमान लगायो लक्ष्मण को शक्तिमान लगायो ला हाहाकार भयो दल माही हाहाकार ढोल गिरी कर धर ले आयो ढोल गिरी कर धर ले भोर न होने पाई भोर न हो भरत भाई कपि से उर न गम न भगवान लक्ष्मण को शक्ति से मूर्छा आ गई जो मेघनाथ ने शक्ति चलाई थी। दल में हाहाकार मच गया तो संजीवनी चाहिए थी वो जो पर्वत पर होती है। तुरंत गए हनुमान जी कौन सी संजीवनी है कैसे पहचाने पूरे पर्वत को ही उठा के ले आए। धन्य है पर्वत उठा कर ले आए धन्य है माता अंजना धन्य गए हनुमान जी पर्वत उठा के ले आए और सुबह ना होने पाए सुबह से पहले पहले ही उनकी मूर्छा भंग होनी चाहिए भोर ना होने पाए। भरत भाई कपि से उरी न हम नाई भरत और क्या किया अही रावण की भुजा उखाड़ी आई पेठी गयो मठ मागी पेठी गयो जो भैया हनुमत नेगी गोत जो भैया मुहे को जा तो जग गाई मुहे को जा तो जग माही भरत भाई कपि से पूरे न हम नाही। अही रावण पताल में ले गया था राम लक्ष्मण को अही रावण को मारा जाकर हनुमान जी ने कितनी सेवा। एक तो राम जी ने हनुमान जी के लिए कहा और भगवान कृष्ण ने गोपियों के लिए कहा धन्य है ब्रज की गोपियाँ इतना भाव उनका कृष्ण के प्रति है। जब भगवान वृंदावन से मथुरा आ रहे थे अक्रूर जी लेने आए थे उनको मथुरा जब आ रहे थे गोपियों के प्राण जा रहे हैं गोपियाँ रो रही सारी गोपियों की आंखों में आंसू हैं। रथ को पकड़ लिया कहा हे कृष्ण आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। वो साधारण स्त्री नहीं थी वो तो बड़ी महान आत्माएं थी। अभी आपने जाने का सोच ही लिया है हम आपको रोक नहीं पाएंगे पर आपके बिना हम जी भी नहीं सकते आप कृपा करो ये रथ हमारे ऊपर चला के ले जाओ। सच में गोपियां रथ के आगे लेट गए ताकि हम आपके दर्शन करके इन शरीरों का त्याग कर दें। तब परमपिता ने कहा था भगवान ने गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान को क्या ऋण है भाव और भक्ति का याद रखो हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते हमारा कुछ है ही नहीं। हम तो सोचते हैं मेरा ये है मेरा कुछ नहीं है शरीर तक मेरा नहीं
और कुछ मेरा क्या है। पर प्रभुपाद जी जैसे संत जिन्हें अनुभूति होती है, रियलाइजेशन होती है, एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि स्वामी जी आपने सब कुछ संस्था के लिए दे दिया, तब गुरुदेव ने क्या कहा, अरे भाई मेरा था क्या जो मैंने दिया, मेरा कुछ भी नहीं था। ये समझ संतों को ही आती है, हमें समझ नहीं आती, हमें मैं और मेरा बस इस बंधन में पड़े रहते हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रखा है, ये कांटा खटक, मैं और मेरा, भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रखा है, वृथा क्यों भटक रखा, भजले प्राणी दो दिन की जिंदगानी, झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रखा है, जगत में लटक रखा, झूठी काया ठगनी चक्कर में क्यों, जगत में नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रखा है इसे खेल में, नर तन मिला है तुझ को क्यों रख, कंचन सी काया तेरी उलझी है विषयों की बेल में, कंचन सी तयोर दारा गई भाव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रखा है, वृथा सिर पटक रखा है, भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा वृथा सिर भूला फिरे क्यों बंदे, धन दौलत की उमंग में, भूला फिरे क्यों बंद धन दौलत उमंग, माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, माता पिता और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रखा है, ये कांटा खटक रखा, मैं और मेरा, तू और है माया का, भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रखा है, वृथा क्यों भटक रहा है। योनियां अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, योनियां अनेक प्रभु की कृपा से नर्तन पाया,
झूठे व्यसन में फंस कर हरि से ननेग लगाया है, झूठे व्यसन में गीता गाए भेद बिताए गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रखा है इसी से अटक रहा। गीता गाए भेद बता गुरु बिन ज्ञान न आए इसी भजले प्राणी रे अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है वृथा क्यों भटक रहा है। भजले भजन के आखिरी शब्दों की ओर ध्यान दें। चंचल घुमानी मन अब तो जन्म को सुधार ले, चंचल घुमानी अब तो जन्म फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार ने, फिर ना मिलेगा तुझ अवसर ऐसा बार बार। रे अज्ञानी तज नादानी भजले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहाए यही सब संत कहाए। रे अज्ञानी तज नादानी भजले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहाए यही सब संत कहाए। मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, कांटा खटक रहा है ये कांटा खटक रहा। भजले प्राणी रे अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी, बिता क्यों भटक बिता क्यों। गुरु कृपा से एक बात हम कहेंगे आपको, असल में करने कराने वाले भगवान हैं श्री कृष्ण हैं श्री राम हैं, लेकिन वो जो उनके सच्चे सेवक भक्त हैं उनको भगवान अपनी सेवा में निमित्त बनाते हैं। जैसे भगवद गीता में घटना, अर्जुन बेचारे बड़े परेशान हो गए, परिवार में युद्ध हो रहा है, एक तरफ भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण विकर्ण दुर्योधन के सौ भाई, एक तरफ सब भोग हैं एक तरफ अपना भोग हैं, कैसे परिवार से युद्ध करें, मना कर दिया। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। क्या दिखाया विराट रूप में, जितने भी योद्धा युद्ध भूमि में हैं सब भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं, मतलब सब मरे हुए मार दिए गए हैं भगवान। अर्जुन सोचने लगे मैं तो कहता मैं इनको मारूंगा नहीं, ये तो ठाकुर जी ने पहले ही मार दिया सभी को, कृष्ण भगवान ने पहले ही सबको मार दिया है। तब उनकी समझ ठीक हुई तो तब भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन निमित्त मातर भव सब साचिन, तू निमित्त बन और श्रेय को ले। तो निमित्त भगवान क्यों किसको बनाते हैं, यही भगवान ने कहा गीता में। क्या कहा भगवान,
भगवान ने कहा है भक्तोसी सखा चेती रहस्य मिदम उत्तमम, तुम मेरे भक्त और सखा हो इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। तो भगवान की सेवा में निमित्त बनो, निमित्त तब बनेंगे जब हम उनके अच्छे भक्त बन जाएंगे, जब ये गंदगी को छोड़ देंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं हम इनका ऋण उतार नहीं सकेंगे। माता अंजना की कुटिया की सारी बात सुनाई। माता अंजना ने कहा कि मैंने तुझे वह दूध पिलाया है कि एक रावण क्या हजार रावण भी हों तो तू मार सकता है। ये बातें माता कुशल्या सुमित्रा ककेई भी सुन रही थी। इन माताओं की इच्छा हुई ऐसी ज्ञानी तपस्विनी बलवान राम नाम का राम काज में तत्पर हनुमान जी को कौन सा दूध पिलाया था। तीनों माताओं ने अंजना माता के पास पहुंची तथा अंजना माता से पूछा। तब अंजना माता तीनों माताओं को लेकर जंगल में एक पत्थर के पास आई और अपनी स्तन से एक बूंद दूध की पत्थर पर गिराई। तुरंत पत्थर के दो टुकड़े हो गए। यह है माता के दूध की ताकत। विशेषकर जो माता भगवान का भजन करती है उसके स्तन में भगवान ऐसा दूध भर देते हैं। धन्य है माता अंजना जिसने हनुमान जी को जन्म दिया। बोलो अंजना माता की। अयोध्या आगमन एवं राजाभिषेक। भरत जी को कठोर तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हुए 13 साल हो गए। 14वें साल का पहला दिन चढ़ा तो भरत जी ने सोच की तरह कि ये साल तो किसी तरह व्यतीत हो गए, अब ये 14वां साल श्री राम के बिना में व्यतीत नहीं होगा। ऐसा ना हो कि प्राण निकल जावें, ऐसा विचार कर स्वयं सरयू में प्राण त्याग करने का निर्णय लिया और रात को सरयू में प्राण छोड़ने को शलांग लगाने के लिए तैयार हुए। तभी दो सज्जनों ने उन्हें दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। कहा भरत क्या कर रहे हो। भरत जी ने पूछा भाई तुम कौन हो। उन्होंने कहा हम अयोध्या के चौकीदार हैं। भरत जी ने कहा अयोध्या में कोई चौकीदार हमने नहीं रखा है। तब उन्होंने कहा भरत जी हम तुम्हारे नहीं हैं, हम श्री राम जी की भेजी हुई दो चरण पादुकाएं हैं। जिस समय हमें श्री राम जी ने तुम्हें दिया था तब हमें कहा था कि मेरी अयोध्या में एक भी प्राणी कम नहीं होना चाहिए। भरत जी अगर आप प्राण छोड़ देंगे तो हम श्री राम जी को क्या मुंह दिखाएंगे। श्री राम जी ने इन पादुकों को अयोध्या के चौकीदार बनाकर भेजा है और 14 साल तक एक प्राणी कम ना हो ऐसा वचन हमने श्री राम जी को दिया है। भैया धैर्य धारण करो, 1 साल का ही समय रह गया है।
श्री राम जी के दर्शन अवश्य होंगे। उधर भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, रात को युद्ध बंद हो जाता था, उस समय भगवान श्री राम जी लेट जाते तथा श्री हनुमान जी चरण सेवा करते थे। हमें राम जी की सेवा तो नहीं मिली है, पर राम कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्त की सेवा मिली है। प्रभुपाद जी हम लेटते थे, इनकी चरण सेवा हम करते थे। चरण सेवा के समय प्रभुपाद सो जाते थे। एक दिन सो गए, हम भी सोच ऐसे हो गया जोर से, हमको भी झोंका लग गया। प्रभुपाद जी उठ गए, कहते तुम थक गए हो, चुप रख जाओ, आराम करो। शुद्ध भक्त की सेवा जो है ये भी बड़ी दूर की चीज है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमालति कर मूला, प्रेम माधवतिथि भक्ति जननी, माधवतिथि जतने पालन करी यतन, कृष्णा बसति बसति बानी कृष्णा, परम आदरे वाणी, भक्त विनोद ठाकुर कह रहे हैं। भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं देखो दो प्रकार के भजन बताए हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल मिल जाए, एक बार हमने देखा प्रभुपाद लेटे हुए थे, हमारा गुरु भाई अपना सर उनके चरण में ऐसे से लगा रहा है, ऐसे चरण प्रभुपाद सो ही रहे। हमने देखा भाई हम इसने लगा लिए तो हम क्यों पीछे रह जाए, हमने ऐसे लगा प्रभुपाद उठ गए ऐसे किया ना, पहले सब ही बीमारी से उठ गए। भक्तों के चरणों की अगर धूल मिले ना, अनुकूल भजन होता है। सही भजन भक्तों की कृपा से होता है। एक होता है अनुकूल भजन, दूसरा प्रतिकूल भजन। तो कर रहे हैं लेकिन कोई प्रभाव कुछ नहीं। भक्तों की कृपा से ही भजन हो सकता है, इसलिए सभी इच्छा करो कि हमें अनुकूल भजन मिले, हम अनुकूल भजन कर सकें। उस समय भगवान श्री राम जी लेट जाते तथा श्री हनुमान जी चरण सेवा करते थे। एक दिन श्री हनुमान जी को श्री राम जी के मुखारविंद से कुछ आवाज़ सुनाई दी। श्री हनुमान जी अपना कान भगवान के मुखारविंद के पास ले गए, तो हनुमान जी चरण सेवा कर रहे थे तो भगवान के मुखारविंद से कुछ आवाज़ आई, कान पास किया तो क्या कर कह रहे थे भगवान। श्री हनुमान जी ने सुना कि भगवान भैया भरत, आहा भैया भरत,
के पास जा रही थी, अपने भाई को याद कर रहे हैं भगवान। गीता में भगवान ने कहा है कि क्या श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मेरे को भजता है मैं भी उसी भाव से उसको भजता हूं। तो भैया भरत ये राम जी के मुखारविंद से आवाज आ रही थी, धन है ऐसे भरत। जो नंदी ग्राम में बैठकर भैया राम की रट लगा रहे हैं, वहाँ वो राम राम रट रहे हैं, वहाँ भरत भरत रट रहे हैं, और श्री राम जी सोए हुए भी भैया भरत रट रहे हैं। जिस समय चित्रकूट से भरत जी विदा होने लगे, तब भगवान श्री राम जी से एक वचन लिया था। चित्रकूट के घाट पर एक घटना और घटी थी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट भई संत तुलसीदास चनंग से तिलक लेत रघुबीर, तुलसीदास एक प्रेत की भेंट हो गई तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी ने पूछा, भाई रामचंद्र जी के दर्शन। बोला, भाई रामचंद्र चित्रकूट में आते हैं, एक बार भगवान आए तुलसीदास जी नहीं पहचान सके, दूसरी बार जब आए तुलसीदास जी चंदन घिसे थे, तो राम लक्ष्मण कहते भैया हमें थोड़ा चंदन दो। तब तोते के रूप में कहा, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर। तो चित्रकूट में ये भी घटना घटी थी। भरत जी विदा होने लगे थे, तब भगवान श्री राम जी से एक वचन लिया था कि वनवास 14 साल का है, अगर आप 14 साल पूरे होते ही अयोध्या नहीं पधारे तो मैं प्राण छोड़ दूंगा भरत जी महाराज। तब भगवान ने कहा था, भरत मैं 14 साल पूरे होते ही अयोध्या आऊंगा। श्री भरत जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, बीते अवधि रही जो प्राण, बीते अवधि रही जो प्राण, अधम कवन जग मोह समान, अधम कवन जग मोह। श्री राम इसे भली भांति जानते थे, उन्होंने भी रावण वध और भविष्य का राज तिलक की तुरंत बाद कहा, भविष्य शीघ्र ऐसी व्यवस्था करो ताकि जल्दी अयोध्या पहुंच जाऊं, क्योंकि बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं भी, अगर अवधि बीतने के बाद मैं जाऊंगा तो मेरा भाई मुझे जीवित नहीं मिलेगा। कितना प्रेम भरत और राम का, सच्चा प्रेम, जैसे दशरथ जी का भी राम जी से सच्चा प्रेम था, राम जी के बिना भी दशरथ ने प्राण छोड़ दिए, ऐसे भरत जी भी कर रहे, कितने अच्छे हमारे राम, रामचंद्र भगवान कितने दयामय हैं। प्रिय बंधुओं,
तो राम कथा कल हमें बड़ा आनंद आ रहा है राम कथा में। कल राम कथा थोड़ी और करेंगे, आज आखिरी दिन कहाँ था हमने पहले, लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत कहें सुने हैं बहु विधि सब संता कहें सुने हैं बहु विधि कहें सुने हैं सब विधि हरि संता कहें सुने मेरी विधि हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि कहें सुने बहु विधि हरि संता कहें सुने बहु हरि की कथा अनंत है हरि अनंत है। कल से फिर और थोड़ी राम कथा करेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। आओ अपनी रसना को पवित्र करने के लिए बोलो भरत जी महाराज की, बोलो राम भक्त हनुमान की, बोलो अंजना माता की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। रघुपति राग विराजा राम पतिता पावन सीताराम रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीताराम रघु कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय ताड़क बन में ताड़का मारी गौतम नारी अहल्या तारी जब दशरथ गर प्रगटे राम पतिता पावन सीताराम जब दश जनकपुरी में धनुष को तोड़ा जनक सुता से नाता जो धनुष कैसी सुंदर जोड़ी राम पतिता पावन सीताराम कैसी
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राज तिलक की हुई तैयारी कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी राज तभी तो बन को चल दिए राम पतिता पावन सीताराम तभी तो बन पंचवटी में कुटी बनाई रूप नखा की नाक उड़ाई पंच तभी खर दूषण मारे राम पतिता पावन सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री मेघनाथ ने शक्ति चलाई लक्ष्मण जी को मूर्छा आई मेघ जट संजीवनी लाए हनुमान पतिता पावन सीताराम जट सन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मेघन
नाथ कुंभकर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा। भरत लाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई। बन से आ गए भगवान, पतिता पावन सीताराम। बन से गए बन श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, बोलो पुरुषोत्तम मास की। आज पुरुषोत्तम मास की 14वें दिन की कथा। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके जहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो, क्या बात है? दिस धनवा ने कहा, महाराज आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है जो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, राजा की यह वचन सुनकर, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रामण देश में ब्राह्मण के घर में ताम्र पत्र के किनारे उत्पन्न हुए थे। ताम्र पत्र के किनारे क्या है? सफेद तुम्हारा नाम था, सदैव तुम्हारा नाम था, तुम धार्मिक सत्यवादी जितने मिले उतने ही में संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र प्रलोक में सुख देता है, शुद्ध वंश में
उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है, उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त ना कर सका तो मेरा जीना ही वृथा है। मैंने उसे वेदाध्ययन नहीं कराया, ना उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही जो आए जाए तो अच्छा है, मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, ये प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो, तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें, आपने तो स्वर्ग जीता है, पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ भी की आराधना करो। मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपणि नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महा भयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। सुदेव का महा उग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्तवत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। पुरुषोत्तम मास की आज यही कथा यहीं तक है, इसको यहीं विराम देंगे और कल 15वें दिन की कथा प्रारंभ होगी। तो सुनने वालों का सभी का धन्यवाद और आभार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम सभी गुरु महाराज का आभार व्यक्त करते हैं, आज उन्होंने पुरुषोत्तम मास के 14वें दिन की कथा का श्रवण करवाया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलकर उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, तब भी गुरु महाराज ने हमें कथा श्रवण कराई, तो फिर से उनका बहुत बहुत आभार। तो आज इस पुरुषोत्तम मास के 14वें दिन की कथा के उपलक्ष्य में आज का जो प्रसादम का आयोजन किया है वो मॉरिशस से श्रीमन लखन प्रभु जी, उनकी धर्म पत्नी मीरा देवी दासी और उनके सुपुत्र धर्म दास की तरफ से आयोजित किया गया है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज ये जो लड्डू का प्रसाद है ये दिल्ली से शशि भूषण दास जी की तरफ से रखा गया है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।
हरे कृष्णा हरे कृष्ण नजर आने दे, इसको क्यों उठा रहा है, जो चपटी और टेबल रख, हरे कृष्णा हरे बोलो।